हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर शॉपक्लूज से दो पार्सल रिसीव हुए हैं और इन दोनों में काफी इंटरेस्टिंग सामान आया हुआ है, तो चलिए एक एक करके अनबॉक्स कर लेते हैं और किसके अंदर क्या प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा किसका कितना प्राइस पड़ा है। अगर आप न्यू व्यूअर हो, आपको नहीं पता है कि लूट प्रोडक्ट्स को कैसे ऑर्डर किया जाता है सस्ते प्राइस में, तो यहाँ पे आपको आई कार्ड में एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, ये वाले लिंक को इसको क्लिक कर लीजिए। वहां से जाकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप भी इनको एकदम चीप प्राइस में ऑर्डर कर सकते हो। और ज्यादातर पिन कोड्स में फ्री डिलीवरी है, सिर्फ कुछ पिन कोड्स पे डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से क्या पार्सल आया। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, तो इसमें मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूं। यहाँ पे आपका प्राइस मेंशन है 59 रुपीज और लिखा हुआ है AVN Elite बॉटल लाइट्स विद कॉर्क। ये आप देख सकते हो, ये 20 LED लिखा हुआ है। खोल के देखते हैं कितना LED आया हुआ है। 59 नहीं, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 46 रुपीज का पड़ा है। तो चलिए अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वालिटी आया हुआ है। तो खोल के देख लेते हैं और ये रहा दोस्तों, देख सकते हो प्लास्टिक पूरा खाली है। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, इस तरीके के एक डब्बे में पैक किया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ एक लाइट दिख रहा है, और इसी लाइट को अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेने जाओ तो एक लाइट 150 रुपए करीब पड़ता है, तो काफी महंगा बिकता है ऑनलाइन। तो शॉपक्लूज लूट में हमें कम, बहुत ही कम प्राइस का ये मिल गया है। चलिए इसे ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप का क्वालिटी और ये वर्किंग है भी या नहीं। इससे आप कोई भी बोतल में यूज कर सकते हो और डेकोरेटिव पीस की तरह इसे यूज किया जाता है। एक्चुअली कॉर्क का डिजाइन है, किसी भी बोतल में आप पूरे लाइट को खोल के डाल दो और ऊपर से प्लेस कर दो तो काफी ब्यूटीफुल सा लुक आता है, बहुत ही अच्छा सा दिखने लगता है। अगर आपके पास बियर बोटल्स हैं तो उनमें और अच्छा खिल के आता है, पूरा ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, अलग अलग। मेरे पास फिलहाल कोई बोतल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी बोतल में मैं आपको इसे लगा करके इसका लाइट रात को दिखा दूं कि किस तरीके का ये दिखता है। तो इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ बैटरी कंपार्टमेंट है। और ये रहा लाइट, तो अभी आप देख सकते हो इसे ऑन भी करूंगा तो ये वर्किंग नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर दिया गया है बैटरी कंपार्टमेंट्स में। इसे जैसे ही खींच के निकाल दूंगा तो ये आप देख सकते हो अभी ये जल रहा है। आपको मैं क्लोजली फोकस करके दिखा दूं तो आप देख सकते हो काफी सुंदर सा लग रहा है यार। तो चलिए मैं आपको इसका बैटरी दिखाता हूं कि इसका बैटरी किस टाइप का आया हुआ है। इस तरीके से आपको इसे खोलना है। तो गाइज, इसे मैं खोलना चाह रहा हूं बट ये खुल नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे लॉक रहता है खींच के निकालने वाला, वो टूटा हुआ है। तो इसे किसी तरीके से मैं निकाल लूंगा, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम 3 सेल्स होते हैं। वो घड़ी से थोड़ा बड़ा सा इसका जो लगता है ना राउंड वाला बैटरी, वो बैटरी इसमें लगता है। तो गाइस, इसे मैंने काउंट कर लिया है, इस पर 20 LEDs हैं, बिल्कुल हैं, यानी कि जो क्लेम किया गया है वो सही में दिया भी जा रहा है। ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लाइट जो मैंने ऑर्डर किया था, और बहुत ही सही डील में मिल गया था 46 रुपीज में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। और ये मेरे पास एक बॉटल मिला मुझे, ब्लेंडर का बॉटल था, मैं पीता नहीं हूँ बट मैंने जुगाड़ कर लिया। उसे मैंने अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्क की तरह मैंने उसे लगा दिया है। और ऊपर पे मैंने एक थोड़ा रस्सी बांध दिया, थोड़ा इसे एक एंटिक सा लुक देने के लिए। और इसे आप कहीं पे भी अपना टेबल पे, टीवी यूनिट पे, कहीं पे भी आप डेकोरेटिव पीस की तरह यूज कर सकते हो। और ये पूरा येलो कलर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, भले आपको व्हाइट कलर की तरह थोड़ा दिख रहा होगा बट ये येलो कलर है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके मैं प्राइस आपको दिखा देता हूँ क्लोजली, तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, मेंशन है 99 रुपीज। और है क्या, S1 2 वॉट मिनी फ्लैश लाइट रिचार्जेबल वाला टॉर्च, लेकिन इसका पड़ा है मुझे सिर्फ और सिर्फ 62 या 61 रुपीज। ये रहा स्क्रीनशॉट, देख लो कितना पड़ा है, और काफी सही डील मिल गया है ये भी। चलिए देखते हैं कि ये भी वर्किंग है कि नहीं और कैसा कंडीशन में आया हुआ है। जनरली ज्यादातर प्रोडक्ट्स अच्छे ही रहते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में लेकिन इशू जरूर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छे कलर में आया हुआ है और लिखा हुआ है हैप्पी लव द प्रोडक्ट। अगर आपको ये पसंद है तो यहाँ पे जा करके रेटिंग्स एंड रिव्यू दे दें, इन्होंने रेटिंग रिव्यू मांगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का है, अकारी प्लस नाम है इसका मॉडल है, मिनी हैंड फ्लैश लाइट है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से पैकिंग में आया हुआ है। पीछे आप पढ़ सकते हो क्या क्या दिया गया है। पीछे लिखा हुआ है प्लीज चार्ज द टॉर्च मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 15 आवर्स, मतलब 6 घंटे मिनिमम चार्ज करना है और 15 घंटे से ज्यादा इसे चार्ज नहीं करना है। ओवर चार्जिंग करने से इसके कॉम्पोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। लाइट जब यूज नहीं कर रहे हो तो उसे बंद करके रखो कहा गया है। और जब चार्ज हो रहा है यहाँ पे LED इंडिकेटर दिया गया है जो कहीं पे जलेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला LED इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पे आप क्लोजली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फोकस करके आप पढ़ लो किस तरीके से इसे डालना है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी ये मिनी फ्लैश लाइट किस टाइप का आया हुआ है। तो देख सकते हो स्लाइड होकर ओपन हो जाएगा, ओके, तो इस तरीके से ये ओपन हो चुका है देख सकते हो। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, वाओ, काफी ब्राइट ऑरेंज कलर में, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये लाइट।
देख सकते हो पीछे क्वालिटी चेक क्वालिटी टेस्टेड वाला स्टिकर चिपका हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, इसे आप इस तरीके से प्रेस करके आगे दबा दोगे तो ये निकल जाता है। फिर किसी भी स्विच बोर्ड में इसे आप एक्सटेंशन बोर्ड में कहीं भी पे लगा दो और ये चार्ज होने लगेगा और ये इंडिकेटर लाइट जलने लगता है। और देख सकते हो टेप मारा हुआ है ताकि ये ट्रांजिट में आते जाते टाइम कहीं भी शिपमेंट में ये जल के इसका बैटरी डाउन ना हो जाए। बहुत ही अच्छा लाइट है और आप देख सकते हो मिनी ही है, मेरे रिस्ट पे आप देख सकते हो, मेरे हाथ पे एक हाथ पूरा भर जा रहा है मुट्ठी पे, तो काफी मिनी सा लाइट है। फिलहाल चलिए इसे ऑन करते हैं। ये हो गया पहला सेटिंग और ये ऑन हो गया है, और दूसरा सेटिंग करूंगा तो ये और ज्यादा जोर से जलेगा। तो आपको दिख रहा होगा अभी सबसे हाई पे है, मीडियम पे है और बंद, और इसे रात में भी टेस्ट करके देखेंगे कि इसका लाइट किस टाइप का है। और ये वर्थ इट तो बिल्कुल है, कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप कोई भी टॉर्च लेने जाओ, रिचार्जेबल वाला तो आपको 150 के ऊपर ही पड़ता है, एक नॉर्मल बैटरी वाला लाइट भी मार्केट में 100 के ऊपर ही पड़ता है, तो 62 में काफी अच्छा फ्लैश लाइट मिल गया है। तो दोस्तों आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स में से सबसे सही प्रोडक्ट कौन सा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय।